बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए सच दिखाते हैं। गरीब मजदूर परिवारों को महाराजा अग्रसेन ट्रस्ट की ओर से प्रशासन बंटवा रहा है भोजन। हम आपको बता दें, कोरोना वायरस से बचाव को लेकर हुए लॉकडाउन के चलते हुए दैवीय आपदा में सितारगंज क्षेत्र में बाहर से आए गरीब मजदूर परिवारों व यहां बसे गरीब मजदूर परिवारों को सितारगंज के महाराजा अग्रसेन ट्रस्ट के सदस्यों व समाज के सहयोगों से प्रशासन द्वारा बंटवाया जा रहा है भोजन। रोजाना भोजन के पैकेट सितारगंज क्षेत्र के सामाजिक लोगों का कहना है कि जब तक रहेगा लॉकडाउन तब तक लगातार क्षेत्र के गरीब मजदूरों को मिलता रहेगा प्रशासन के सहयोग से भोजन। समिति के द्वारा सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। माननीय तहसीलदार साहब के आदेशानुसार जहाँ जहाँ इन्होंने वितरण करना है वहाँ वहाँ इसकी व्यवस्था की जाती है। इस समय उपरेलू क्षेत्र और गांव के नखा क्षेत्र और जितने देहात में ये खाना बांटा जा रहा है। जहाँ जहाँ जरूरतमंदों को इसकी जरूरत है वहाँ खाना बांटा जा रहा है, जिसकी अध्यक्षता रोशनलाल जी कर रहे हैं। नगरी सेवा समिति सारगंज के द्वारा माननीय रेशमलाल जी के नेतृत्व में अब महाराजा अग्रसेन ट्रस्ट के अंदर हम लोग खाना बना रहे हैं और स्थानीय प्रशासन माननीय डीएम जी माननीय तहसीलदार महोदय के निर्देश पे इनको हम खाने के पैकेट बना के दे रहे हैं। सितारगंज में खनन के जो मजदूर थे उखरौली क्षेत्र में 90 एकड़ में जहाँ जहाँ गरीब लोग हैं प्रशासन अपनी सहूलियत के हिसाब से बंटवा रहा है। हम लोगों का लक्ष्य यही है कि हम लोग समाज से पैसा इकट्ठा करके और जो गरीब लोग जिनको पैसे खाने की आवश्यकता उन सबको वितरित करने का प्रयास कर रहे हैं। और जब तक लॉकडाउन रहेगा हमारी समिति की तरफ से प्रयास है सबको हम भोजन देने की कोशिश करेंगे।